हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। अब आप हमारी सभी वीडियोस गुरुकुल हब के साथ साथ अन एकेडमी पर भी देख सकते हैं। वहां पर ऑल टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, CTET हो या फिर UPTET। उसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज और सभी वीडियोज आप देख सकें। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी एग्ज़ाम नज़दीक है, RPF के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CPO है, CHSL है, MTS है, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल ये GK के क्वेश्चन रहेंगे। और जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल अभी है, ग्रुप डी है जैसे कि, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। एक क्रैश कोर्स की तरह ये वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्लियर। अब वो कैसे होंगे वो आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होते हैं। तो दो पृष्ठ जो होते हैं वो क्या होता है, वो अनियमितताओं के कारण होते हैं। मतलब जो घर्षण संपर्क में आते हैं ना, आने वाले दो पृष्ठ अनियमितताओं के कारण होते हैं। और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, ठीक है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। यह दो पृष्ठों के बीच अनियमित संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो ये घर्षण बल किससे उत्पन्न हुआ, दो पृष्ठों के बीच अनियमित संपर्क के कारण, क्लियर। तो हुआ एक क्वेश्चन क्लियर आपका, और एक क्वेश्चन से हमारे क्वेश्चन बने दो क्वेश्चन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है और उस योजना का नाम है उदय देश का आम नागरिक। उदय देश का आम नागरिक एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफायती विमानन सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो एक योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उस योजना का नाम है उदय देश का आम नागरिक। और इस योजना का मकसद क्या है, उद्देश्य है कि मध्यम वर्गीय नागरिक जो है आर्थिक रूप से सुलभ, उनको घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफायती विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह प्रमुख मार्गों पर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए शुरू की गई क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसके अंतर्गत एक घंटे की उड़ान सेवा के लिए मात्र 2500 रुपये शुल्क देने की सीमा लगाई गई है। इस योजना के तहत पहली उड़ान जनवरी में होगी, ठीक है गाइस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अभी मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, उड़ान सेवा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो वो है उदय देश का आम नागरिक। आगे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किस प्रकार की गति होती है, तो होती है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो वस्तु की गति क्या होती है, एक समान त्वरित गति। यदि किसी कण के वेग में परिवर्तन की दर नियत बनी रहती है तो कण की गति को एक समान त्वरित गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक समान त्वरित गति कहा जाता है यदि कण के वेग में परिवर्तन की दर नियत बनी रहती है। और इसका उत्तम उदाहरण मिलता है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु में, क्लियर गाइस। और गाइस यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, गुरुकुल हब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसको ज्वाइन करने के लिए। साथ ही उसके लिए आपको पहले टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, प्ले स्टोर से अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको या तो उस लिंक पर क्लिक करने से जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गुरुकुल हब चैनल के नाम से सर्च कीजिए, आपको हमारा लोगो लगा हुआ चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम सभी PDF फ्री PDF प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही वीडियोस के नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो आती हैं वो बताते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और अन्य डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन या कोई अन्य जानकारी होती है वो सब वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्लियर गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर 24,000 किलोमीटर आर पार और 12,000 किलोमीटर चौड़ा दूसरा ग्रेड स्पॉट पाया है? तो वो पाया है बृहस्पति ग्रह पर, सी ऑप्शन बृहस्पति है। बृहस्पति पर एक ग्रेट कोल्ड स्पॉट की खोज की गई है, एक ग्रेट कोल्ड स्पॉट की खोज की गई है जो कि विशाल ग्रह की सबसे विशिष्ट विशेषता के प्रतिद्वंदी है और बृहस्पति के उग्र वायुमंडल पर गहरे रंग का दाग यानी कि 24 किलोमीटर तक है। तो जो ग्रेट कोल्ड स्पॉट की खोज की गई है वो बृहस्पति ग्रह पर ही की गई है। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, उनको ही क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। तो बृहस्पति ग्रह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे है सल्फ्यूरस अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ग्रुप डी में पूछा जाना तय है, ध्यान देंगे, ग्रुप डी में इस बार पूछा जा सकता है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? चार ऑप्शन है, H2SO4, H2SO3, H3SO4। तो ये होता है H2SO3, ठीक है। एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो होता है H2SO4, ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, यहाँ पर पूछा जा रहा है सल्फ्यूरस अम्ल, वो होता है H2SO3। इस बार के ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन 100%, देख लेना। सल्फ्यूरस एसिड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है H2SO3। इस मायावी एसिड के संयुग्म का आधार आम आयनों, ठीक है, बिस्लाफाइड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और सल्फाइड सल्फर एसिड सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा के गठन में एक मध्यवर्ती प्रजाति है और यह अज्वलनशील होता है, ध्यान रखेंगे, इसको जलाया नहीं जा सकता, अज्वलनशील होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सल्फ्यूरस एसिड की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह है कि HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है। तो वो होती है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोला जाता है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव और उसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, HHDD, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट बन रहा है ये भी, ठीक है। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव एक भौतिक या तार्किक भंडारण युक्ति है जो एक फ्लैश सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे तेज भंडारण माध्यम को जोड़ती है जिससे डाटा ज्यादा एकत्रित किया जा सके, क्लियर, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है? हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक की बात करें, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, वर्तमान में भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को द्वारा विश्व के विरासत स्थल में शामिल किया गया है, विश्व के विरासत स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है कि यूनेस्को द्वारा इनमें से कौन से विश्व के विरासत स्थल में शामिल किया जाएगा, तो वहां पर चार ऑप्शन रख देंगे और एक हम्पी ऐसा होगा जो होगा जो विरासत में शामिल है, बाकी तीन को अन्य नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। हम्पी का संबंध है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, वही विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि सुंदरवन आरक्षित वन SRF जो भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के आसन है किस पड़ोसी देश में स्थित है, किस पड़ोसी देश में स्थित है? सो सुंदरवन आरक्षित वन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण गंगा में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो कहाँ पर है, बांग्लादेश में है और यह क्षेत्र हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। तो सुंदरवन आरक्षित वन की बात की जा रही है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस पड़ोसी देश में स्थित है, बांग्लादेश से संबंधित है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है और हमारा भारत का हो जाता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दूसरा पड़ोसी देश। यहाँ पर मैंग्रोव टाइप की वनस्पति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सुंदरवन डेल्टा, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और सुंदरवन नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किया था मोंटगोल्फियर ब्रदर्स। तो दो भाई थे, मोंटगोल्फियर ब्रदर्स, जोजेफ, इनके नाम है जोजेफ माइकल मोंटगोल्फियर और जैक्स एंटीडे मोलगोल्फियर, मोंटगोल्फियर दो भाई हैं, जोजेफ माइकल मोंटगोल्फियर और जैक्स एंटीडे मोंटगोल्फियर। दोनों भाइयों की गर्म हवा के गुब्बारे के आविष्कार के रूप में जाना जाता है और इसकी पहली कामयाबी इन्हें मिली थी 1780 के दशक के शुरुआत में। सबसे पहले इन्हें कामयाबी 1780 के दशक में प्राप्त हुई थी। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक पुरस्कार है? तो वो जाता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा एवं खेल शामिल है। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, 2 जनवरी 1954 में इसको शुरू किया गया, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया? तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्लियर। तो गाइज यहां पर हमने 10 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चन का मतलब 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन, कहीं पर 3 क्वेश्चन भी बनकर आए हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिशियल एक क्रैश कोर्स की तरह है आपके ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी के एग्जाम के लिए। अगर ग्रुप टी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल कम समय है, 13-14 दिन का समय है, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेंगे। इसको बिल्कुल भी मिस करके ना चलें। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को भी मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर शेयर होंगे तो मैं इस तरह की आपके लिए क्रैश कोर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो बनाकर चलूंगा, जहां पर मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी के लिए संभावित हैं कि पूछे जाने तय हैं, तो ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड करके चलूंगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।